नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय हो भोले भंडारी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भगवान भोले भंडारे की कृपा से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप अपने घर में बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। और दोस्तों, मैं सदैव भगवान भोले बाबा से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में हमेशा खुश रखें और आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी प्यारे भक्तों को बता देंगे दोस्तों कि 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ज़िंदगी में होने वाली है इतिहास का सबसे बड़ा और मुख्य परिवर्तन। दोस्तों, जो परिवर्तन आज तक आपके ज़िंदगी में ना ही हुआ था और ना ही आपने कभी देखा होगा, दोस्त ऐसा परिवर्तन दोस्तों आज के दिन आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं और इस परिवर्तन से आपका पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। ओ दोस्तों, आप लोग में करोड़ों में खेलने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अब स्वयं देवों के देव महादेव का खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब आपके ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के यश में बड़े बड़े खुशियां आने वाली हैं। आपके ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के यश में चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। दोस्तों, स्वयं भगवान भोले भंडारी जी आप पर मेहरबान हो चुके हैं। अब दोस्तों, आपकी ज़िंदगी से सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार की परेशानियों से आप लोगों को मुक्ति दिलाएंगे और साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जो आपके दुश्मन लोग हैं, जो दोस्तों आपको हमेशा परेशान करते हैं, जो आपको हमेशा तंग करते हैं और जो लोग आपको काफ़ी लंबे समय से जीना बिल्कुल ही हराम कर दिया है, तो दोस्तों अब आपके दुश्मनों के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों आपके दुश्मन के गले में मौत की माला चढ़ने वाले हैं। जी दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के साथ एक बहुत ही बड़ा खतरनाक कांड भी होने वाला है। दोस्तों, एक प्रकार से यूँ कहें तो अब आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब इन 24 घंटे के भीतर देवों के देव महादेव जी आपके दुश्मन के साथ जो करने वाला है, उन्हें देखकर आपके बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे दुश्मनों के साथ कभी कुछ ऐसा भी हो सकता था, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म किया था, अब उनको उनके कर्म का फल यश में स्वयं देवों के देव महादेव जी देने वाले हैं। दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपको बहुत ही सताया है, आपको बहुत ही रुलाया है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों के रोने के बारे आ चुके हैं। अब इन 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों के लिए बुरा समय शुरू हो चुका है और आपके लिए अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब देवों के देव महादेव जी आपके ज़िंदगी के जितने भी बुराई लोग थे, जितने भी आपके ज़िंदगी के रास्ते में जो आपके काटाएँ थे, जो आपके बाधे थे, दोस्तों अब उन सभी से आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है और यह समय अवधि में आपके ज़िंदगी में आपको ऐसी खुशियाँ मिलने वाली हैं कि दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, यह समय अवधि में आपकी ज़िंदगी की हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली हैं। बस आप लोगों को यह समय कुछ गलतियां करने से बचना होगा, कुछ सावधानियां आपको ऐसे में रखने की बहुत आवश्यकता होंगी, क्योंकि दोस्तों आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से आपको ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुसीबतें भी झेलना पड़ता है। तो आप लोगों को ये 24 घंटे तक कुछ गलतियां करने से आपको बहुत ही बचना होगा, तभी दोस्तों आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा खुश भी रह सकते हैं और तभी आपकी ज़िंदगी में कभी कोई संकट, कभी कोई परेशानी भी नहीं आएंगी। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भूल से मिस ना करें। आपको हम बताएंगे कि दोस्तों आने वाला यह दिन, आने के 21 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहने वाले हैं। दोस्तों, आज भगवान भोले भंडारे जी आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं, क्या क्या चमत्कार होंगे और किन किन क्षेत्रों से आप लोगों को क्या क्या लाभ की प्राप्ति भी यह समय होने वाली हैं और साथ ही आज के दिन आप लोगों को कौन से लापरवाही, कौन सी गलतियाँ करने से भी बचना होगा ताकि आपको भविष्य में
पछताना ना पड़े और ना ही आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की मुसीबत का सामना भी करना पड़े। और आज के दिन आपके ग्रहों की स्थितियाँ कैसे रहने वाली हैं, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में हर जानकारी मिलेंगी और साथ ही आज के दिन आपके बिजनेस व्यापार में, आपकी नौकरी में, आर्थिक स्थिति में, घर परिवार के माहौल में, धन की स्थिति में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या क्या बड़े सुधार भी ऐसे में होने वाले हैं, आपको हर जानकारियाँ इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसे बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले देवों के देव महादेव के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, ऐसे वीडियो कभी कभी अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लिख जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय हो बाबा भोले भंडारी जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान भोले भंडारी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन के पंचांग के बारे में। दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोले भंडारी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मध्यरात्रि 2:01 के उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों चित्रा नामक नक्षत्र रहेंगे। और दोस्तों, अगर शुभ योग की बात करें, दोस्तों शुभ योग रात्रि 10:20 के उपरांत शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएंगी। और राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन का बेहद ही अशुभ समय की बात करें, तो सुबह 7:44 से लेकर के सुबह 9:19 रहेंगे। यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार की संकट एवं बाधाएं भी आ सकती हैं। और दोस्तों, अगर अभिजन मुहूर्त समय की बात करें, अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें, तो सुबह 9:20 से लेकर के सुबह 10:54 तक रहेंगे। यह समय अवधि में आप अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और सूर्य सिंह राशि पर है और चंद्रमा कन्या राशि के उपरांत तुला राशि पर संचार करने जा रहे हैं। तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल और चंद्रमा का जो तुला राशि पर गोचर है, दोस्तों इसका असर, इसका प्रभाव आपके कुंडली पर कैसा पड़ने वाला है, आपकी ज़िंदगी में इसका क्या होने वाला है, आपको हमारे जानकारी भी देंगे। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समस्त ग्रह और सितारों की चाल से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि दोस्तों आने वाला यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दिन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, जिस कारण दोस्तों आज आपको करियर के क्षेत्र में और कारोबार के क्षेत्र में आप लोगों को यह समय वो सफलता मिलने वाली है, यह समय आप लोगों को वो तरक्की मिलने वाली है। दोस्तों, जिस तरक्की को और जिन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आप जो सालों से मेहनत कर रहे थे, आप जो सालों से कोशिश कर रहे थे, दोस्तों आपकी उस कोशिश में, आपकी उस मेहनत में आज रंग लाने वाली हैं। और दोस्तों, वह सफलताएं आपके कदमों में या समय होंगी। और दोस्तों, या समय आपको कारोबार में भी वह तरक्की मिलेंगी जो तरक्की आप पाना चाहते हैं। जी दोस्तों, और इस राशि के जो भी जातक नौकरी करते हैं, दोस्तों उन लोगों को आज कारोबार में काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, कारोबार में आज तेजी की स्थिति बनी रहेंगी, जिस कारण से आज आप लोगों को काफ़ी अच्छी उन्नति की प्राप्ति भी होने की आशंकाएं बन रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप कारोबार करते समय किसी भी लोगों पर आप आंख मूंद कर भरोसा विश्वास ना करें और ना ही आप आज किसी लोगों की बातों पर आप किसी भी कारोबार के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही करें, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को आज नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस बात का आप लोगों को आज बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही थी, दोस्तों आपके घर में पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही थी, आपके ज़िंदगी में पैसों के इतनी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं कि दोस्तों आप ही समझ रहे हैं, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे आपके कार्य छूटते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसे आपका
कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं पैसों के चलते, और आपकी ज़िंदगी में पैसों की दिक्कतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि दोस्तों आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। तो आप अब चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों आज देवों के देव महादेव जी आपकी ज़िंदगी में बड़ा ही चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों आज आप लोगों को अनेकों क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने वाली है। जैसे दोस्तों आज आप लोगों को वह धन की प्राप्ति होंगी, दोस्तों जो धन आपका काफ़ी लंबे समय से किसी भी क्षेत्र में फंसा था, या फिर अगर आपने कहीं पर भी वर्क किए थे, अगर आपका मंथली इनकम कहीं पर फंस चुका था, तो आपको वह धन भी आज आपके हाथ में आ सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी को धन काफ़ी लंबे समय पूर्व ही उधार में दिए थे, तो वह धन भी आज आपके हाथ में आ सकते हैं। और इनके साथ ही आज के दिन आप लोगों को उस क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति होने वाली है, दोस्तों जिस क्षेत्र में आपने काफ़ी लंबे समय पूर्व ही निवेश किए होंगे, जिस कारण से आज आप लोगों को हर क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होने वाली है। तो एक प्रकार से यूँ कहें तो धन के मामले में आज के दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही शानदार दिन रहने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को आज बेफालतू खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आज आप वही खर्च करें दोस्तों जो खर्चे आपके काम आ सके, जो खर्चे आपके लिए फायदे हो सकें। अगर आप बेफालतू खर्चे करेंगे तो आप लोगों को फिर से भविष्य में लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ सकती है, और फिर से आप लोगों को आर्थिक तंगियां भी करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों आप अपने वर्तमान जीवन में जितना ही धन को बचाकर चलेंगे, दोस्तों वह धन आपको उतना ही भविष्य में काम आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस धन को जितना ही बचाकर चलेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेंगे, और ताकि आपको भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत तक ना आ सके। तो आप लोगों को यह बात या इसमें बहुत ही ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों अगर प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें, तो आज का दिन आपके घर गृहस्थी के मामले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास और बहुत ही खुशहाल भरी आपकी ज़िंदगी रहने वाली है। दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई दबे समस्या आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो उस परेशानी से आज आप लोगों को मुक्ति मिलेंगी। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की बातों को लेकर काफ़ी लंबे समय से चिंतित थे, तो आपकी उस परेशानी का भी हल आज आप लोगों को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे, तो दोस्तों वह भी चीज़ आपके आज प्राप्त हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आपका संतान कोई बाहर में रहते हैं, तो उन लोगों की ओर से आज आप लोगों को कुछ ऐसे बड़े शुभ संदेश की प्राप्ति होंगी कि दोस्तों जिन्हें सुनकर आपका दिल और आपका मन यसम काफ़ी खुश हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई भी संतान काफ़ी लंबे समय से किसी भी नौकरी के लिए उन्होंने जो भी इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने जो भी परीक्षाएं दी थी, तो दोस्तों उनको उस परीक्षा में ऐसी सफलता भी मिलने के शुभ संदेश आप लोगों को मिल सकते हैं, जिनसे आपके घर में ऐसे में खुशी का माहौल देखने को मिल सकते हैं। और इस राशि के जो महिलाएं कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों को भी ऐसे में काफ़ी अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली हैं, जिनसे आज आपका मन भी खुश रहेंगे और आपके घर परिवार में सभी लोग आज काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं।